आज कटी हुई पतंग की तरह नायब सैनी जी की हालत है कि करनाल बचूंगा, लाडवा जाऊंगा, नारायणगढ़ जाऊंगा, कोई और ढूंढूंगा। और दूसरी और वीरेंद्र सिंह जी की भी वो हालत है, पहले कहने लग गया कि दुष्यंत भाजेगा, फिर कहने लग गया कि उतारना हल्के से सारी महिला उम्मीदवार आनी चाहिए, और पीछे कह गया कहीं कि ना मैं लड़ूंगा ना प्रेमलता जी लड़ेगी, विजेंद्र लड़ेगा। अरे वीरेंद्र सिंह जी मैदान में उतारो तो सही, लड़ा तो लोकसभा भी रहे थे, टिकट कटी थी नहीं कटी थी? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में चुनाव है और चुनाव के अंदर जो सारी बातें होती हैं वो चुनावी रंग की होती हैं। चुनाव में नेताओं के शिकवे होते हैं, आपसी शिकायतें होती हैं, तंज होते हैं, रंज होते हैं, गम होता है और खुशी होती है, एक दूसरे पर वार होता है, प्रतिवार होता है, ये सब चुनाव में होता है। और चुनाव के अंदर आप माने तो राजनेता जो होते हैं वो अपने सामने वाली पार्टी पर अनेक प्रकार के तंज, अनेक प्रकार के ताने कसते हैं। आज दुष्यंत चौटाला थे उचाना में, उचाना में दुष्यंत चौटाला गए हुए थे अपना प्रचार करने के लिए, ऐलान कर चुके हैं कि उचाना से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उचाना में दुष्यंत चौटाला पहुंचे तो उन्होंने उचाना में जाते ही एक तंज कस दिया चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखां पर। दुष्यंत चौटाला ने उचाना के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह पर तंज कसते हुए कहा, उन पर ताना मारा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं, कभी कहते हैं मैं लड़ूंगा, कभी कहते हैं महिला सीट है प्रेमलता लड़ेंगी, फिर कभी कहते हैं ना मैं लड़ूंगा ना प्रेमलता लड़ेंगी, युवा लड़ेंगे यानी कि बृजेंद्र सिंह। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर 5 सितंबर तक कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई और कांग्रेस की लिस्ट में अगर नाम बृजेंद्र का नहीं आया, दोनों बातें बोल दी कि 5 सितंबर तक लिस्ट नहीं आई और या फिर बृजेंद्र का नाम नहीं आया तो फिर बृजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिलेगा। ये तंज इसलिए था कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह चले गए थे भाजपा छोड़कर कांग्रेस में, और कांग्रेस ने उनके सांसद बेटे थे जो सांसद थे और सांसद से रिजाइन देकर गए थे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में, लेकिन हिसार से कांग्रेस ने उनको अपना कैंडिडेट नहीं बनाया, जेपी को कैंडिडेट बनाया जयप्रकाश को, और जेपी चुनाव भी जीत गए। बस इसी बात पर दुष्यंत चौटाला कह रहे थे, आप सुनिए क्या बोल रहे थे दुष्यंत चौटाला। और दूसरी और वीरेंद्र सिंह जी की भी वो हालत है, पहले कहने लग गया कि दुष्यंत भाजेगा, फिर कहने लग गया कि उतारना हल्के से सारी महिला उम्मीदवार आनी चाहिए, और पीछे कह गया कहीं ना मैं लड़ूंगा ना प्रेमलता जी लड़ेगी, विजेंद्र लड़ेगा। अरे वीरेंद्र सिंह जी मैदान में उतारो तो सही, लड़ा तो लोकसभा भी रहे थे, टिकट कटी थी नहीं कटी थी? और बेरानी कांग्रेस का अगर 5 तारीख तक नहीं आई तो फिर टिकट भी कट सकती है, और कटान में भी इसका रिश्तेदारी है कि मामे का बेटा है कि है बुआ का छोरा, वो भी इसका शुभचिंतक है। मैं तो साथियों एक चीज आपको बोलता कि ये सफर आपने तय करना, और जितनी मजबूती से तय कर लोगे उतनी मजबूती के साथ हम इस विधानसभा सीट को जीतने का काम करेंगे। तो ये तो दुष्यंत चौटाला का तंज था चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां पर, अगला उन्होंने कसा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर और भाजपा पर। दुष्यंत चौटाला बोले कि नायब सिंह सैनी जो हैं वो तीज की कटी हुई पतंग की तरह हैं। अभी सावन बीता है, सावन में हरियाली तीज आई थी, और हरियाली तीज और 15 अगस्त को शौक होता है पतंगबाजी करने का, उससे जोड़ दिया दुष्यंत चौटाला ने और कहा कि जैसे तीज की पतंग में, तीज में जब पतंग कट जाती है बिना डोर की पतंग होती है, पता नहीं कहाँ लैंड कर जाए यानी कि कहाँ गिर जाए। और दुष्यंत चौटाला कह रहे थे कि नायब सिंह सैनी कह रहे हैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा, नारायणगढ़ उनकी पुरानी सीट है, नारायणगढ़ की बात भी आती है,
कह रहे थे मोहनलाल बड़ौली कह रहे हैं नहीं वो तो लाडवा से लड़ेंगे। उस पर तंज कसते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नायब सिंह सैनी कटी पतंग हैं, पता नहीं कहाँ लैंड करेंगे, करनाल करेंगे, लाडवा करेंगे या नारायणगढ़ करेंगे। ये भी सुनिए क्या कह रहे थे दुष्यंत चौटाला। और मेरी ये हालत भी नहीं है जो आज के मुख्यमंत्री की है। देखिए हालत क्या है, बडोली कह दे लाडवा तो लड़ेगा, सैनी कह दे ना मैं तो करनाल को नहीं छोड़ू, अखबार कह दे ये तीन सुरक्षित सीट ढूंढ रहे। सच्चाई फिर है के है, तीज वाले दिन पतंग उड़ावा है नहीं, जब डोर कट जाती है पतंग की क्या हालत हो है? आज कटी हुई पतंग की तरह नायब सैनी जी की हालत है कि करनाल बचूंगा, लाडवा जाऊंगा, नारायणगढ़ जाऊंगा, कोई और ढूंढूंगा। तो दुष्यंत चौटाला ने बातों बातों में खूब बातें बनाई। ये भी कहा कि नेता अपने लिए सुरक्षित सीट ढूंढते हैं, सेफ सीट, कहाँ से चुनाव लड़ें। आजकल सेफ सीट की बात चल रही है तो नायब सिंह सैनी का नाम सबसे पहले आता है। कहते हैं कि नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा सरकार के, उनके लिए कुछ सुरक्षित सीट ढूंढी जा रही है। नारायणगढ़ का जब जिक्र आया तो मैं आपको बता दूं कि नारायणगढ़ से 2014 में अंबाला जिले की नारायणगढ़ विधानसभा सीट है, वहां से 2014 में नायब सिंह सैनी बने थे विधायक और उसके बाद नायब सिंह सैनी बने सांसद 2019 में, सीट छूट गई वो, और उसके बाद में करनाल से लड़े विधानसभा का उपचुनाव, वहां से जीते। जो लाडवा विधानसभा है वो कुरुक्षेत्र लोकसभा में आती है, यानी कि कुरुक्षेत्र लोकसभा की लाडवा पेरेंटल सीट उनकी, उस सीट उनकी पैतृक सीट नारायणगढ़, और जहाँ पे उनको अडॉप्ट किया जिसको उन्होंने करनाल, जहाँ से आजकल विधायक हैं। इन तीन सीटों की बात चल रही है तो ये ताना उन पर मारा दुष्यंत चौटाला ने कि अब उनकी सीट यानी कि उनकी पतंग कहाँ लैंड करेगी, कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे, और सुरक्षित सीट से जोड़ लिया इसको। दुष्यंत चौटाला कह रहे थे कि लोग सुरक्षित सीट ढूंढते हैं लेकिन मेरी सुरक्षा तो उचाना करेगा, यानी कि ये उनकी इमोशनल अपील थी, भावनात्मक अपील थी उचाना वालों से। उचाना में जाकर के दुष्यंत का इमोशनल होना बनता है। उचाना से वो 2014 में विधानसभा का चुनाव हारे थे, 2019 में विधानसभा का चुनाव वो जीते थे, और अभी जो 2024 का हाल का लोकसभा चुनाव हुआ, जो हिसार से चुनाव लड़ी नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला की माताजी, उनको उचाना में मात्र 5,000 के आसपास वोट मिले, इसलिए इमोशनल अपील भी बनती है। और ये इमोशनल अपील थी दुष्यंत चौटाला की, जिसमें वो कह रहे थे कि मेरी सुरक्षा तो उचाना करेगा। और अंत में एक शेर भी मारा दुष्यंत चौटाला ने, वो शेर उन लोगों के लिए था जो विधायक थे जिन्होंने उनकी पार्टी छोड़ी। आज ही रामकुमार गौतम ने, दादा ने पार्टी ज्वाइन की जींद में जाकर के, जोगीराम सिहाग ने ज्वाइन की, अनूप धानक ने ज्वाइन की, और इन पर दुष्यंत चौटाला का जो तंज था वो ये था कि छोटे से लालच के लिए वर्षों के याराने गए। अनूप धानक पर खास कर रहा होगा जरूर, भाई छोटे से लालच में वर्षों के याराने गए, अच्छा हुआ मेरे दोस्त कुछ पहचाने गए। तो ये राजनीति है, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि राजनीति के अंदर यानी कि चुनाव के दौरान राजनेताओं के ताने होते हैं, तंज होते हैं, शेर व शायरी होती हैं, वार होते हैं, प्रतिवार होते हैं। दुष्यंत चौटाला के भाषण में आज सारे क्लेवर थे, तो चुनाव के दौरान में ये तमाम भाषण, तमाम प्रकार के मुद्दे, नारे, वादे, ये सब गढ़े जाएंगे। खैर, दुष्यंत चौटाला ने जो इमोशनल अपील की उचाना की जनता से, मेरा आपसे सवाल यही है कि इस इमोशनल अपील का उचाना की जनता पर क्या असर पड़ेगा? क्या 2024 के विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला उचाना को जीत पाएंगे, और या फिर वहाँ पर कोई संकट होगा? सबसे प्रमुख बात ये कि क्या आज़ाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन का जननायक जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में कोई फायदा मिलेगा या नहीं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।